अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड ड्रीम्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आलू गोश्त की रेसिपी बताने जा रही हूँ कि दिल्ली में जो कोरमा आलू गोश्त का बनता है वो किस तरह से बनता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो बड़ी प्याज चॉप करके रख रखी हैं। हमें एक चम्मच ज़ीरा, चार पांच तेज़पात, चार पांच सफ़ेद इलायची, दो बड़ी काली इलायची और काली मिर्चें, दो लौंगे, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून प्याज का पेस्ट, 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच पिसी हुई खुशबू, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ, 200 ग्राम दही, 1 kg यहाँ हमने मटन लिया है, 4 बड़े साइज़ के हमने आलू लिए हैं जिन्हें हमने पील कर लिया है यानी छील लिया है। अब हम इस तरह से इसे गोद देंगे, आप संभाल के करिएगा। गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। फर्स्ट स्टेप, हमने सरसों का तेल कुकर में डाल दिया है। सेकंड स्टेप, जो हमारी अनियन कटी हुई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है, अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। थर्ड स्टेप, हमारा जो हमारे मसाले थे गरम, हम इसमें वो ऐड कर देंगे, ज़ीरा, काली मिर्चें, काली इलायची, तेज़पात, लौंग, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। जो लेफ्ट ओवर हमारा ऑयल रहेगा उसी ऑयल में हम अपना फोर्थ स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब इस लेफ्ट ओवर ऑयल में ही हम अपना मटन इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैं अपना मटन इसमें ऐड कर रही हूँ, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे अनियन पेस्ट 2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर, 1 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल के अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा गरम मसाला 1 चम्मच, 1 टीस्पून खुशबू पाउडर, यहाँ हम अच्छे से इसे ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो हमारे मसाले थे तेज़पात, काली इलायची, ये हम अब इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। थोड़ा सा इसमें हम 1 कप, 1/2 कप के बराबर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड होने के बाद अब हम इसे अच्छे से सीटी लगा देंगे कि हमारा अच्छे से मटन गल जाए। ये देखिए हमारी सीटी आने लगी है, तो 2 या 3 सीटी होने के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। गाइस, लाइट चली गई थी तो मैं फिर अब इसे गैस पे मैंने रखा है। ये देखिए मैंने इसे ओपन किया तो देखिए कितने अच्छे से हमारा मटन जो है वो गल चुका है और मसाला भी कितने अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे और अपना बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें ज़ीरा, जो 1 चम्मच ज़ीरा है हमारा भुना हुआ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। हमारी जो फ्राई की हुई अनियन थी जो हमने निकाली थी वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी, प्लस फ्राई अनियन, एंड देन लास्ट में हम इसमें अपना दही, जो 200 ग्राम दही है, हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे।
यहाँ मैं 200 ग्राम जो दही है वो ऐड कर रही हूँ, और ऐड करने के बाद मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए आप सब लोग, कितना प्यारा लग रहा है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती माशाल्लाह से। आप सब भी ज़रूर इसे घर पे ट्राई करिएगा। मेरे यहाँ सब लोग बहुत पसंद करते हैं इसे, रोटी से, नान से और चावल से भी हमारे यहाँ खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। देखिए ये सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, तो मैंने जो वो आलू थे उनको बीच में से कट कर लिया है और मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। बस अब आलू डालने के बाद हमें कुकर को एक सीटी देनी है और हमारा फटाफट आलू गोश्त, दिल्ली का आलू गोश्त कोरमा तैयार है। तो हम इसे गर्मा गर्म नान के साथ और तंदूरी के साथ या गेहूं की रोटी के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए यहाँ सीटी आने लगी है, लाइट आ गई थी तो मैंने इंडक्शन पे रख दिया है, अब हम इसे खोलेंगे और सर्व करेंगे। आई होप आप सबको मेरी ये डिश अच्छी लगी हो, प्लीज़ घर पे बनाइए और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।